Hello students, welcome to the session. I am Ishwar Iswas, a passionate biology lecturer. उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान रख रहे होंगे. फिलहाल अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमने अब तक कवर कर चुके हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तरह तरह के ऑर्गेन्स कैसे कैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस को करते हैं, जिसमें कि हमने अभी तक पढ़ा था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, और आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसते भी हैं. ठीक है, तो मैंने बहुत ही अच्छी स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं आप लोगों के लिए. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब पसंद आएगा जैसा कि अब तक आता रहा है. तो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को. ठीक है, और एकदम अपनी सीट ले लीजिए, जहां पर भी आप बैठे हो नोटबुक ले लीजिए. और ये जो लेक्चर है ये आपको इतना ज्यादा हेल्प करेगा कि आपको और कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है. जितनी भी मदद करनी है, जितनी भी बुक्स देखनी है, वो सब मैं आप लोगों के लिए पहले से ही देख चुका हूँ. आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को. कल तक हमने पढ़ लिया था न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. पैरामीशियम में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है मैंने बता रखा है. क्लियर है, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे कैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है. फिलहाल मैं खुद को हाइड कर देता हूँ और अब आप देखिए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे कैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है. तो देखिए भाई, ये है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम. देखिए, हम क्योंकि एक कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं हम लोग. ठीक है, क्योंकि हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मिलेंगे. क्लियर है भाई, हमारे अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग क्या हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मैंने इनको टिक किया हुआ है. ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो हिस्से हैं. एक तो है आपका एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, एक क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. एक क्या है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरा है यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है भाई, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. ये एक बहुत एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लंबी ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है, और माउथ के बाद आता है इसमें बक्कल कैविटी आएगा. ठीक है, बक्कल कैविटी के बाद फिर ईसोफेगस आएगा, मतलब एक लंबी ट्यूब है. यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ. ठीक है, ईसोफेगस आएगा, आप साइड में ड्रॉइंग में भी देख सकते हो. ठीक है, ईसोफेगस आएगा और उसके बाद में आएगा स्टमक. ठीक है, स्टमक बना रहा हूँ मैं, तो स्टमक आएगा, उसके बाद आएगा इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन आएगा. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में लास्ट में जाकर क्या आ जाएगा, एक एक्सटर्नल दूसरी ओपनिंग, जिसको कि हम एनस बोलते हैं. ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो कुछ नहीं है, बस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पर. ठीक है, माउथ से हम किसी भी फूड को एंटर कराते हैं. मैं रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाना चाहूंगा. तो यहां से कोई भी फूड की एंट्री करते हैं, जो भी हम खाते हैं. ठीक है, और एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, हमारे शरीर में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. और जो अंडाइजेस्टेड चीज है, फिर जो अंडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाएगा, यहाँ पे अंडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाएगा, वो एनएस के थ्रू भरा जाएगा, जिसको कि हम एक्सक्रीटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा, या फिर फीसिस बोल देते हैं. क्लियर है, हाँ जी. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे. ठीक है, मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ 3 सेकंड्स में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. हाँ जी, अब देखो बात करते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ. तो एलिमेंट्री कैनाल हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, जैसे मैंने अभी बताया आपको. माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी वो जगह है जहां पर हम इसको पीसते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में जाएंगे. बक्कल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स वो हिस्सा होता है जो कि कॉमन पासेज होता है, जहां से हमारा एयर भी पास होता है और फूड भी पास होता है. बताएंगे ये कॉन्सेप्ट भी, वेट करें थोड़ा सा. इसके बाद आता है ईसोफेगस, और फिर उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन,
और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में जाके आता है एनस। देखिए बच्चों ये चीजें हमें इसी सीक्वेंस में याद करनी है, ठीक है ना। अब रट्टू जो लोग होंगे उनसे चक्कर पड़ सकता है कि अगर मैं उनसे बोलूं कि बताओ बच्चों एलिमेंट्री एनिमल के कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो क्या पता वो सीक्वेंस गड़बड़ कर दें, पहले माउथ बोल दें, है ना, फिर स्टमक बोल दें, ईसोफेगस बोल दें, फेरिंग्स बोल दें। तो ऐसे आपको जवाब नहीं देना है। आपको जवाब कैसे देना है, आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही जवाब देना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही आप लोगों ने जवाब देना है, क्लियर है। सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होना चाहिए कैसे भी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। फिलहाल माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है, ये सब है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है, ये मैंने बता दिया था अभी, और इस लॉन्ग ट्यूब के साथ में आप देख सकते हो कहीं कहीं पे कुछ कुछ ग्लैंड्स अटैच है, जैसे कि ये एक ग्लैंड अटैच है हमारे इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ, लिवर भी एक ग्लैंड है जो कि अटैच है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच रहती हैं, उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये हमारे जो प्रोसेस है डाइजेशन में उसमें हेल्प करते हैं। मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी व्हाट इज डाइजेशन, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लो। कुछ बच्चे होंगे, कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो पढ़ के नहीं आई होंगी, है ना, उनको भी मजा आए क्लास में, इसीलिए। तो डाइजेशन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस से सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट करना, सिंपल वो भी कौन सा, जिसको कि हम एब्जॉर्ब कर सकें। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ही हम डाइजेशन बोलते हैं, और उतना सिंपल बनाना है इसको कि हम उसको अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर पाए। इससे मुझे एक चीज याद आई, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम करते हैं इंजेशन, सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, फूड को अंदर लेना, है ना, हम बाहर से फूड को अंदर लेते हैं माउथ के थ्रू, तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इंजेशन। अच्छा, इंजेशन के बाद एक प्रोसेस आता है, इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। ये मैं न्यूट्रिशन के स्टेप्स बता रहा हूँ आपको। तो इंजेस्ट करेंगे, पहले हम खाने को अपने अंदर लेंगे माउथ के द्वारा, फिर उसको पचाएंगे, ठीक है, डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट के बाद उसको क्या करेंगे भाई, डाइजेस्ट के बाद हम उसको करेंगे एब्जॉर्ब। डाइजेस्ट हमें कब तक करना, जब तक कि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, फिर हम उसको अपने शरीर में ब्लड स्ट्रीम में क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसका नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ये पूछा जा सकता है बच्चों एग्जाम में, ठीक है ना। तो उसके बाद आएगा एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद जो लास्ट स्टेप है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता होगा, फिर हमें उसको बाहर भी निकालना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एजेशन। तो ये स्टेप्स हैं हमारे न्यूट्रिशन के, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, और आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, और बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स किसके बाद आते हैं, तो आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल इंजेशन क्या होता है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है, फूड को एंटर कराते हैं माउथ को, ठीक है, मतलब यहाँ से हम फूड को एंटर करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। इंजेशन के बाद अब ये फूड पचेगा, एक तो यहाँ पे डाइजेस्ट होगा ये फूड, ठीक है, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होगा, तो दूसरा स्टेप डाइजेशन का हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप यहाँ पर आने के बाद अब इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा वो खाना, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ब्लड इसको क्या करेगा, ब्लड इसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा, ब्लड इसको क्या करेगा, अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड वेसल से एक नेटवर्क फैला हुआ है, उसकी मदद से ये हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे ऑर्गन वन, ऑर्गन टू, ऑर्गन थ्री, ऑर्गन फोर सपोज, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहां तक इनको पहुंचाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। अब हो सकता है ये पूरा खाना एब्जॉर्ब ना हुआ, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच गया हो, वो अनडाइजेस्टेड फूड अब लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और यहां से होते 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 और फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस को हम बोलेंगे इजेशन, ठीक है। तो मैंने आपको सभी प्रोसेसेस बहुत अच्छे से समझा दिए यहाँ पर, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। अगर आपको इनके डेफिनेशन चाहिए तो या तो सर्च कर लीजिए, नहीं तो जो मैंने बताया है आपको अभी इजी लैंग्वेज में, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए।
ठीक है। अच्छा अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, मैं सबको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है भाई। हाँ जी, इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, है ना, बहुत अच्छी क्लास चल रही है अभी तक। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हमारे शरीर में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ कौन कौन सी ग्लैंड्स मिलती हैं। तो देखिए हमारे अंदर मिलती हैं, सलाइवरी ग्लैंड मिलती है जो कि यहाँ मिल रही है ना, बक्टल कैविटी के पास मिल रही है सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या निकालता है, सलाइवा निकालता है। खैर क्या क्या काम करेगा वो मैं अभी बताऊंगा, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ एक्चुअली नॉलेज देने से। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक देखो जहां भी गैस्ट्रिक वर्ड आ जाए इसका सीधा मतलब होता है स्टमक से, तो ये वाली जो ग्लैंड होगी वो कहां पर मिलेगी, स्टमक के अंदर, क्लियर है। फिर एक पैनक्रियाज ग्लैंड जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ठीक है, स्टमक यहां खत्म हुआ, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में यहां पर एक ग्लैंड मिल रही है, इसको बोल रहे हैं हम पैनक्रियाज, ठीक है जी। अच्छा अब यही पैनक्रियाज से एक ऊपर में ग्लैंड आ रही है जिसको बोल रहे हैं लिवर, जो कि आप देख सकते हो नेक्स्ट ग्लैंड कौन से, लिवर है। तो पैनक्रियाज और लिवर मैंने दोनों बता दिया है। अच्छा अब ये जो इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पर भी ग्लैंड मिलती है जिसको कि हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत है, और इतना अगर आपने जान लिया तो काफी है आपकी 10th क्लास के हिसाब से। तो आपसे कोई भी पूछे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, तो आप बता देंगे कि सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। घबराए नहीं, अभी हम आगे और पढ़ेंगे, एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद आगे की बातें, ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सॉरी फॉर द नॉइस ब्रेकडाउन, इसके बाद अब बात करते हैं। देखिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने बक्कल कैविटी। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या है, माउथ है, माउथ में क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, लिप्स के बाद फिर जो कैविटी आती है ना जहाँ पे ये खाना पचाया जाता, मतलब चबाया जाता है खाना, उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। इसको बुक्स में ओरल कैविटी भी बोला गया है, तो कन्फ्यूज ना हो, बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी को क्या बोल सकते हैं, ओरल कैविटी। अच्छा ऐसे ही मैंने एक और वर्ड बताया था, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल को आप लोग गट भी बोल सकते हो, अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल वाली स्पेलिंग बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है क्योंकि आप लोग महान आलसियों इंसान में से हो, ठीक है ऐसा होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल को आप लोग गट बोल सकते हो, GUT, ठीक है, एक ही बात है। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, बक्कल कैविटी में देखो क्या क्या मिलेगा, बक्कल कैविटी में एक तो टीथ मिलेंगे, ठीक है, टीथ हमारे शरीर में चार तरह के टीथ मिलते हैं, हमारे माउथ में एक्चुअली शरीर माउथ, ठीक है, हाँ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, ठीक है, ये चार तरह क्या मिल रहे हैं हमारे शरीर में, टीथ मिल रहे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सब पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। अच्छा जी, इंसीजर है, ठीक है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं, तो मैं इनके काम बता देता हूँ आपको कि ये काम क्या क्या करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इंसीजर क्या काम करता है, ठीक है, बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, इंसीजर क्या काम करता है, अरे भाई बहुत मोटा पेन चल रहा है, पतला करो इसे। तो इंसीजर क्या काम करता है सुन लीजिए, और कैनाइन क्या काम करेगा वो भी आप सुन लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों क्या काम करेंगे, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है, सब पता होना चाहिए आपको, देश का भविष्य हो आप लोग, ठीक है। हाँ जी, इंसीजर क्या काम करता है, इंसीजर कटिंग का काम करता है, क्या काम करता है, कटिंग का, कुछ भी हमें अगर काटना है तो हम इंसीजर का यूज करते हैं। और कैनाइन क्या काम करता है, कैनाइन टीयरिंग का काम करता है, कुछ भी चीज अगर मुझे फाड़नी है तो उसके लिए मैं कैनाइन्स का यूज करूंगा, जो पेने से दांत होते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स का यूज हम करते हैं पीसने में, तो ग्राइंडिंग में यूज करते हैं, ठीक है, पीसना, अगर मुझे कुछ भी पीसना होगा तो मैं इन दांतों का यूज करूंगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो लोग बायोलॉजी को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही ज्यादा डॉक्टर्स जैसी फीलिंग लेकर के आएगा कि वाह ह्यूमन पढ़ रहे हैं हम, मजे आ गए, क्योंकि तुम्हें आगे ह्यूमन ही तो कट करना है, उनको ही ठीक करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये सब बातें इनफ है, अब फिलहाल मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, हमारे शरीर में
32 दांत मिलते हैं एडल्ट के अंदर, और वो कैसे कैसे मिलते हैं तो सुन लीजिए, फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3। मतलब क्या देख सकते हैं यहाँ पे, दो कौन से मिल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं दो, ठीक है ठीक है, और एक केनाई मिल रहा है और फिर सॉरी केनाई के लिए मैं सी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है यहाँ पर क्या आएगा सी, हाँ जी, फिर केनाई मिल रहा है एक, और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से दो क्या मिल रहे हैं, प्रीमोलर मिल रहे हैं, प्रीमोलर, ठीक है, दो प्रीमोलर मिल रहे हैं, अच्छा, और तीन क्या मिल रहे हैं, मोलर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तीन क्या मिल रहे हैं, मोलर्स मिल रहे हैं। ऐसा मैंने अपर जॉ के लिए लिया है, ये ऊपर में क्या बता रहा हूं मैं, अपर जॉ, ठीक है, अपर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा है जो, फिर एक नीचे वाला जबड़ा है जिसको मैंने क्या बोला लोअर जॉ, ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में होगा। अभी मैंने ये आधा बताया है आपको, है ना, आधा बताया है, आधा इधर भी होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, टोटल कितने दांत आ गए, 32 आ गए, आ गए नहीं आ गए भाई, है ना, देखो 2 1 2 3 कितना हो गया, 3 + 2 = 5 8, है ना, 8, 8 ऊपर 8 नीचे कितना हो गया 16 हो गया, 16 × 2 कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 32 दांत मिलते हैं, और ये सब आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये सब जो मैंने आपको यहां बताया है इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं हम, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, हाँ जी। इसके बाद थोड़ा सा एक मिनट, हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं, सुनिए ध्यान से, लेक्चर में बहुत मजा आ रहा है, हमने दांत के बारे में इतना कुछ जान लिया है, अच्छा, कोई बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, डाउट आ रहा हो कि सर बच्चे के अंदर कितने दांत मिलते हैं, बच्चे के अंदर, है ना, जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं तो उनके अंदर 20 दांत मिलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 1 0 2, ठीक है, अपॉन 2 1 0 2, मतलब कि दो क्या मिलेंगे, इनसीजर मिलेंगे, एक कैनाइन, प्रीमोलर नहीं मिलता है, ठीक है, मोलर मिलता है, क्लियर, इस तरह से इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करोगे फिर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इस तरह की मैथ को मैथमेटिशियन नहीं समझेंगे, वो देखेंगे भाई 2102 / 2102 ये तो 20 कैसे आ जाएगा, तुम्हें तो मैथ आती नहीं है, तो भाई साहब ये बायोलॉजी का कुछ फॉर्मूला है, वो इंसान नहीं समझ सकते हैं, क्लियर है, हाँ जी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाक से, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, हाँ जी, टीथ के बारे में मैंने आपको इनफ ज्ञान दे दिया है, और कौन कौन सा जो टाइप का टीथ है वो क्या क्या काम करता है वो आप जान चुके हो, इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ, इसके बाद आगे बात करते हैं टंग के बारे में। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि देखो क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, और टंग के ऊपर होती है टेस्ट बर्ड्स, क्या होती है, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स, जिससे हम स्वाद ले पाते हैं, जैसे कि टीथ सॉरी इस टंग में अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे बिटर, यहाँ पर खट्टा टेस्ट, ठीक है, बिटर मतलब कड़वा, यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट की टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट की टेस्ट बर्ड्स हैं, आगे में स्वीट टेस्ट की टेस्ट बर्ड्स हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ये मस्कुलर ऑर्गन है प्योरली, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, कहीं सोच रहे हो सर इसके अंदर हड्डी भी होती है क्या, अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है सलाइवरी ग्लैंड, हमारी ही बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड भी होते हैं, जो कि 3 तरह की होती है, एक तो पैरोटिड, ये कौन सी है, ये है पैरोटिड, ठीक है, जो गाल पर मिलती है, और नीचे मिल रही है यहाँ पे सब मैंडिब्यूलर, ठीक है, और एक मिल रही है सब लिंगुअल और सब मैंडिब्यूलर, यहाँ पे नाम दे रखा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अच्छा। अब ये इस ग्लैंड से जो नली निकल रही है इसका नाम है स्टेंसन्स डक्ट, क्या नाम है इसका, स्टेंसन्स डक्ट, और नीचे वाली जो दो ग्लैंड है इससे जो नली आ रही है इसका नाम है वार्थन्स डक्ट। अब देखो हो क्या रहा है, ये ग्लैंड क्या काम करती हैं, ये अपने अंदर से सेलाइवा निकालती हैं, सेलाइवा, ठीक है, सेलाइवा के अंदर क्या क्या 3 चीजें होती हैं सुन लीजिएगा ध्यान से, सेलाइवा के अंदर एक तो होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सेलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना, सेलाइवरी एमाइलेज, एक तो ये एंजाइम मिलता है, दूसरा इसके अंदर म्यूकस मिलता है, क्या मिलता है, म्यूकस, म्यूकस क्या होता है बच्चों सुन लीजिए ध्यान से, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक स्लिपरी फ्लूड है जिसका पीएच 6.8 होता है, ठीक है,
सॉरी कंप्लीट सलाइवा का पीएच 6.8 होता है, ये मिस्टेक से हो गया है यहाँ पे, फ्लो फ्लो में हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो म्यूकस एक स्लिपरी फ्लूड है, ठीक है, जो कि एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो म्यूकस क्या है? एक स्लिपरी फ्लूड है, स्लिपरी चिकना सा, ठीक है। इसके बाद म्यूकस के बाद यहां पर एक और चीज होती है इसके पास, जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, ठीक है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या काम करता है, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल मतलब कि ये बैक्टीरिया को खत्म करता है, तो मतलब इसके पास एक एंटीबायोटिक गुण हो गया। अब म्यूकस क्या होता है, स्लिपरी होता है, दो गुण होते हैं म्यूकस के, एक तो ये स्लिपरी होता है, चिकनासा होता है, और दूसरा एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन, ठीक है, मतलब पीएच मोर देन 7। लेकिन टोटल सलाइवा का जो पीएच होता है वो होता है 6.8। पीएच का अगर कोई आपसे सलाइवा पूछे तो बता देना, ठीक है। अच्छा, अब सलाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सलाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है। देखो बच्चों, हम अपनी डाइट में सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज ऊपर समझा रहा हूँ, ठीक है, हमारी डाइट में क्या लेते हैं, सुक्रोज। अगर किसी को नहीं पता सुक्रोज क्या होता है, तो जो हम चीनी खाते हैं ना, चीनी शुगर जो हम खाते हैं, उसके अंदर जो शुगर होता है, ठीक है ना, शुगर जो हम खाते हैं, चीनी जो हम खाते हैं, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसका नाम है सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। तो ये सलाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है, सुनिए ध्यान से, ये क्या काम करता है, ये इस सुक्रोज से डाइजेस्ट करके ये इसको बना देगा फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है ना। मतलब कि सुक्रोज को आप ऐसे मान लो कि दो बॉक्सेस हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब दो शुगर की यूनिट है जो जुड़ी हुई हैं, उसको ये कन्वर्ट कर रहा है अलग अलग, मतलब और ज्यादा छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स चीज कन्वर्ट हो रही है, सॉरी कॉम्प्लेक्स लिख दिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स चीज कन्वर्ट हो रही है किसमें, सिंपल में। ये भी क्या हो गया, सिंपल हो गया, और ये भी क्या हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। तो आपको बता देना है कि कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते क्या है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होने को डाइजेशन ही तो बोलते हैं। और ये किस एंजाइम की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है एमाइलेज की वजह से, है ना, एमाइलेज। तो कोई भी आपसे पूछे कि बताओ बच्चों कार्बोहाइड्रेट, देखो ये सुक्रोज जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है। आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है, इसका जो पचना है वो कहां से शुरू होता है, वो शुरू हो जाता है बक्कल कैविटी से ही, ठीक है, माउथ से ही, बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसे बता देना है, बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, और एक एक चीज को लिख लीजिएगा, तभी आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो पाएंगे। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो, कोई और किताब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं भाई, मैं इसको रेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई आगे चलते हैं इसके बाद फटाक से। माउथ के बाद बक्कल कैविटी हमारा हो गया, बक्कल कैविटी के बाद देखो ईसोफेगस आता है, सॉरी लैरिंग्स आता है एक्चुअली। ये जो हमारी ओरल कैविटी है, जो कि आप देख पा रहे हो, ये इतनी बड़ी ओरल कैविटी है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। ये है इतना बड़ा, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये सब ओरल कैविटी है जिसमें टंग था, है ना, टीथ थे, ये सब थे। अब इसके बाद जो खाना जाता है वो ईसोफेगस में जाएगा, भोजन नली में जाएगा, ठीक है, ईसोफेगस में जाना है। ईसोफेगस में जाने से पहले ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है जी, हाँ जी। अब इसके बाद सुनिए बात को ध्यान से, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स के बारे में आपको बताना क्या है एग्जाम में। तो लैरिंग्स एक कॉमन पासेज है, कॉमन पासेज है फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पासेज है। देखो भाई यहां से नेजल कैविटी के ऊपर में यहां से हवा आ रही है, हवा भी यहां से पास होगी, और अगर मैं बात करूं फूड की,
तो फूड यहां से गया अंदर और फूड भी यहीं से फेरिंग से होता हुआ पास आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो होगा क्या, ये जो एयर है जो मैंने रेड कलर की लाइन से दिखाया, ये कहां जानी है, ये जानी है लेयरिंग्स में, ठीक है। और फूड को कहां जाना है, फूड को जाना है ईसोफेगस में, क्लियर है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ जो ये बीच में कॉमन पासेज आया है यहाँ पर जो ये एक मिनट कलर चेंज करें, हाँ जी, जो यहाँ पर ये कॉमन पासेज आया है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। आई होप सभी को समझ में आया होगा यहाँ पर, क्लियर है जी। ये क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पासेज है किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। अच्छा जी यहाँ तक समझ में आ गया लेयरिंग्स क्या होता है। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में पूछने के लिए, एपिग्लॉटिस क्या होता है। तो देखो भाई ये जो एरिया है ना यहाँ पर, मैं कलर चेंज करता हूँ और अच्छे समझ में आएगा तभी। तो यहाँ देखिए ये जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, जिसको कि एपिग्लॉटिस बोला गया है, तो एपिग्लॉटिस क्या काम करता है, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन लेयरिंग्स, लेयरिंग्स सॉरी इन फेरिंग्स। एक मिनट यहां पे शायद उल्टा हो गया है, ये लेयरिंग्स नहीं बच्चों, ये है ना फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स एक्चुअली, कहीं गलत पढ़ लेते हैं। तो फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पासेज होता है फूड और एयर का। तो ये प्रिवेंट करता है, एपिग्लॉटिस क्या काम करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को किसके अंदर, लेरिंग्स के अंदर जाने से, कहां पे, लेरिंग्स के अंदर जाने से रोकता है उसको। लेरिंग्स एयर वाली नली है, ठीक है, और ईसोफेगस में फूड जाता है, ठीक है। ऊपर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये प्रिंटिंग, ये सॉरी हो गया था प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। ऊपर में क्या है यहाँ पर, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या होगा, कॉमन पासेज होगा फूड के लिए और एयर के लिए। मैंने बता दिया था कैसे कैसे एयर आ रही है, कैसे कैसे फूड आ रहा है, बस ये माइनर सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करें, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया ये फेरिंग्स होता है और फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स में एयर जाता है, ठीक है। तो हमारी जो एयर वाली नली है इसमें फूड ना घुस जाए उसको प्रिवेंट कौन करता है, उसको प्रिवेंट करता है एपी ग्लॉटिस, ठीक है, उसको एपिग्लॉटिस रोकता है। आपसे कोई पूछे एपिग्लॉटिस क्या होता है, तो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, एपिग्लॉटिस से बना हुआ होता है, कार्टिलेज से, ठीक है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अच्छा जी यहां तक सब कुछ पता चल गया। अब कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जब खाना निगलते हैं, जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो उस दौरान हमारी सांस रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि एपिग्लॉटिस लैरिंग्स के ऊपर आ जाता है और एयर का कट ऑफ हो जाता है, इसीलिए हमारी सांसें रुक जाती हैं उस टाइम पे, एक सेकंड के लिए या फिर कुछ माइनर सेकंड्स के लिए, ठीक है जी। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। फिलहाल इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। अब लैरिंग्स के बाद ये फूड जाता कहाँ है, लैरिंग्स के बाद ये फूड कहाँ जाता है, लैरिंग्स के बाद ये फूड जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है, भोजन नली है, मैंने बताया था फूड पाइप है। अब बच्चे ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ईसोफेगस की ओरिजिनल स्पेलिंग क्या है, ईसोफेगस या फिर ईसोफेगस। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन बायोलॉजिकली जो स्पेलिंग हम ज्यादा देखते हैं वो ये वाली ही स्पेलिंग देखते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है आपको, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद अगर मैं आपको ये ईसोफेगस जो हमारी इतनी बड़ी नली है जो कि कनेक्ट कर रही है किसको, फेरिंग्स को कनेक्ट कर रही है स्टमक से, स्टमक से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारे जो एलिमेंट्री केनाल है ये भी एक नली है, ये भी एक नली है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी एक नली है। अगर मैं इसको कट करके दिखाऊं आपको तो आपको कुछ वॉल्स दिखेंगी, कुछ परतें दिखेंगी इसके अंदर, ठीक है। वो परतें कौन कौन सी वो आप देख लीजिए, ठीक है, वो परतें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो वो परतें हैं ये चार परतें हैं, इनके नाम आप याद रखें ना, वो जो लेयर्स हैं ये इस तरह की चार लेयर्स हैं, आपको इनके नाम याद होने चाहिए। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है सेरोसा, फिर उसके नेक्स्ट लेयर का नाम है मस्कुलेरिस, फिर उसके नेक्स्ट लेयर का नाम है, अंदर वाली लेयर का नाम सब म्यूकोसा, और उसके अंदर वाली लेयर का नाम है म्यूकोसा, ठीक है जी। ये चार लेयर हैं, आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, ज्यादा कुछ जानना नहीं है इनके बारे में। और ये जो खाली एरिया है इस एरिया के थ्रू ही हमारा फूड आ रहा है, जैसे कि फूड अगर पीछे से आ रहा है तो इस एरिया के थ्रू ही हमारा फूड जा रहा होगा, आगे पास हो रहा होगा,
ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक लंबी पाइप ही तो है, स्टमक को भी कट करोगे तब भी यही लेयर्स दिखेंगी, ठीक है, तब भी यही लेयर्स दिखेंगी। इसके बाद इंटेस्टाइन को कट करोगे तब भी आपको यही लेयर्स नजर आएंगी। तो कौन कौन सी चार लेयर्स होती है हमारे एलिमेंट्री केनाल में? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये बात आपको याद रखनी है और ये आपके लिए एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, जिससे कि आप बाकी स्कूल्स से थोड़ा सा स्मार्ट बन सके। अच्छा, इसके बाद देखो यहां तक हमारी बातें हो चुकी हैं, इसके बाद अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड से पहले यहाँ पे एक चीज और है कि लेंथ कितनी है इसोफेगस की, तो वो आपको याद रखनी है 15 to 25 सेंटीमीटर, डिपेंड करता है इंसान कितना बड़ा है और कितना छोटा है हाइट में। इसके बाद बात करते हैं अब आगे, हमारा ईसोफेगस हो गया, अब हम स्टमक पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए स्टमक के बारे में बात करते हैं, यहाँ से ईसोफेगस आ रहा था और कहाँ कनेक्ट हो गया, स्टमक से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम खाना जितना भी ठूस ठूस के खाएं, जितना भी ठूस ठूस के खाओ, निगल लो जितना मर्जी जोर जोर से ढंग से है, निगल लो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्टमक के अंदर जो खाना जाएगा, स्टमक के अंदर जो खाना जाएगा वो एकदम जल्दी जल्दी अंदर नहीं जाएगा। जैसे आप जल्दी जल्दी ऊपर से तो ठूस रहे हो लेकिन स्टमक में वो जल्दी से नहीं गिरता है, स्टमक में वो बहुत ही स्लो स्पीड से गिरता है या फिर बहुत ही रेगुलेटेड स्पीड में गिरता है। इस रेगुलेशन को कौन करता है? इस रेगुलेशन को करता है ये वाला एरिया, इस यहाँ पे एक स्पिंक्चर लगा हुआ होता है, स्पिंक्चर। स्पिंक्चर क्या काम करता है, इस स्पिंक्चर का नाम बता दूं पहले, तो इस स्पिंक्चर का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्चर, ठीक है, इसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्चर, ठीक है। अब ये काम क्या करता है वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ये क्या काम करता है आपसे कोई पूछ बैठे, पूछते हैं भाई एग्जाम में, ठीक है ना, इसका काम क्या है? इसका काम है ये रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ फूड को, रेगुलेट एंट्री ऑफ फूड इन स्टमक, ठीक है, स्टमक में जो फूड की एंट्री हो रही है उसको क्या करता है ये रेगुलेट करता है। ऐसा नहीं एकदम उतनी स्पीड, जितनी स्पीड से आप ऊपर से खा रहे हो उतनी स्पीड से पेट में गिर जाएगा, ऐसे तो पेट फट जाएगा हमारा, और उतनी स्पीड से अगर ये नीचे गिराया तो हमने, उसको एक रेगुलेटेड स्पीड चाहिए भाई। वो रेगुलेटेड स्पीड कैसे मिलेगी इसको, वो रेगुलेटेड स्पीड किसकी वजह से हुई, वो हुई गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्चर की वजह से। स्पिंक्चर, स्पिंक्चर क्या काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं एंट्री ऑफ फूड का, किसके अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब गैस्ट्रो ईसोफेजियल क्यों बोला है, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, ईसोफेजियल मतलब ये जो ईसोफेगस है ऊपर, ठीक है। हाँ जी, एक ही वीडियो में मुझे ह्यूमन का न्यूट्रिशन खत्म करना है, तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है, पानी पी लीजिए और सब रखिए। अच्छा, स्टमक के अंदर क्या क्या होता है वो हम जान लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो देखो भाई स्टमक के अंदर जो फूड स्टोर होता है, पहले ये जान लो, फूड स्टोर होता है 40 मिनट से लेकर के 5 आवर तक स्टोर रह सकता है। अगर कोई बहुत ज्यादा सिंपल फूड है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड नहीं, जैसे कि हम मीट वगैरह नहीं खा रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, सिंपल फ्रूट्स वगैरह ही खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर, स्टमक के अंदर 40 मिनट तक ही रहेगा। शरीर नहीं, सिर्फ स्टमक के अंदर कितने मिनट रहेगा, 40 मिनट। लेकिन आप खा के आ गए हो कहीं से, कुछ मांस खा के आ गए हो, तो मांस एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है और वो हमारे शरीर में लगभग 5 आवर तक रहेगा, यहां से निकलेगा नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है जो मांस खा के आते हैं और पचता नहीं है मांस, फिर वो वापस से उल्टी के फॉर्म में वापस आ जाता है, जैसे हम वोमिटिंग करते हैं, फिर वो वापस से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये सब चीजें ना खाएं, सिंपल रहें, सिंपल जिए। हाँ जी, इसके बाद और फीचर की बात करते हैं, इसके अंदर HCL होता है, स्टमक की कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है, वहां से HCL निकलता है, ठीक है। मैंने आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड आगे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और मैंने बताया होगा पेट के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और ये ग्लैंड क्या निकालती है, HCL निकालती है, और क्या निकालती है, पेप्सिन निकालती है, ठीक है ना, और क्या निकालती है, पेप्सिन। एक्चुअल में ये पेप्सिन नहीं, एक्चुअल में ये पेप्सिनोजन निकालती है, क्या निकालती है, पेप्सिनोजन। अब इस पेप्सिनोजन से बनाया जाता है पेप्सिन, इस पेप्सिनोजन से क्या बनाया जाएगा, पेप्सिन बनाया जाएगा। पेप्सिन क्या है बताएंगे अभी, लेकिन पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनने के लिए हमें चाहिए HCL, और वो HCL भी पेट के अंदर बनता है, ठीक है।
HCl क्या काम करता है, एसिडिक मीडियम देता है, पीएच बता दूं 1.8, ठीक है, इतना पीएच होता है 1.8, ये आपको याद रखना है। तो HCl का काम क्या है बच्चों, HCl का काम एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, क्या काम करना, एसिडिक मीडियम देना, एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम, जिसकी वजह से जो ये पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में बदल सके। पेट जो है, पेट की जो ग्लैंड्स हैं जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल रहे हैं, वो पहले पेप्सिनोजन निकालता है, ठीक है। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम, मतलब अभी ये काम नहीं कर सकता है, इसको एक्टिव एंजाइम में बदलने के लिए, इसको काम के लायक बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, HCl की जरूरत पड़ेगी, और HCl भी कौन निकालता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ही निकालती है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं, हाँ, एक चीज और निकालता है म्यूकस। अब देखो कई बार ऐसा होता है हमारे पेट में जलन मस्ती है, जलन मस्ती है कई बार हमारे पेट में, क्या मस्ती है, जलन मस्ती है, आपको बता दो हमारे पेट में कई बार क्या होता है, जलन मस्ती है कई बार, हम बहुत ज्यादा ऐसा खाना खा लेंगे, कि एसिड बहुत ज्यादा बनने लग जाता है पेट में, फिर आग सी लगती है पेट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी। अब एसिडिटी से बचने के लिए हमारे पेट के अंदर में ही म्यूकस भी निकलता है, जब HCl का काम खत्म हो जाता है या फिर HCl बहुत ज्यादा बन जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, हमें एसिडिटी फील होती है, ठीक है, अगर पेट में एसिड बचा हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें एसिड की रिएक्शन करानी होगी किसी एल्कलाइन से, एल्कलाइन सबस्टांस से। एल्कलाइन मतलब बेस होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आप पढ़ लोगे रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो उससे बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ऐसे रिएक्शन आप पढ़ोगे अपने केमिस्ट्री में, ठीक है, एसिड बेस वाले चैप्टर में। फिलहाल एसिड को बैलेंस किया किसने, एल्कलाइन सबस्टांस ने, और म्यूकस ही वो एल्कलाइन सबस्टांस है, समझ गए ना। तो म्यूकस क्यों जरूरी होता है, एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए, एसिडिटी को रेगुलेट किसी वजह से होता है, म्यूकस की वजह से। और ये म्यूकस कहां से निकलता है, HCl कहां से निकलता है, ये तीनों ही चीजें कहां से निकलती हैं, अगर उसकी पूछ बैठे कि जो तीनों चीजें मैंने बताई हैं, HCl, पेप्सिन और ये कहां से निकलती हैं, ये तीनों चीजें निकलती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलती हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब स्टमक के ना तीन हिस्से होते हैं जो मैंने आपको यहाँ दिखाए हुए हैं। स्टमक के तीन हिस्से कौन कौन से हैं, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है फंडस, सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा होता है वो है कार्डियक, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो है पाइलोरिक। ये तीन हिस्से होते हैं स्टमक के, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है आपके लिए। फिलहाल फंडस वो वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर गैस बनी रहती है हमेशा, यहाँ पर गैस होती है, सिर्फ और सिर्फ गैस रहेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ गैस रहेगी, यहाँ पर कहीं भी फूड नहीं पहुंचता है, फूड कार्डियक में आता सीधा, ईसोफेगस से सीधा फूड किस रीजन में आएगा, कार्डियक में आएगा। तो ये ऊपर वाला हिस्सा फंडस हो गया है, बीच वाला हिस्सा कौन सा हो गया, कार्डियक हो गया है, और ये वाला जो हिस्सा है नीचे लास्ट वाला हिस्सा, ये पाइलोरिक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ईसोफेगस से जो फूड आ रहा है स्टमक के अंदर, वहां पर एक स्पिंचर लगा हुआ जिसका नाम क्या है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर, ऐसे ही सेम स्पिंचर यहां भी मिलेगा, यहां पाइलोरिक के बाद और स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले। उस स्पिंचर का क्या नाम है, उस स्पिंचर का नाम है पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ ले कि बताओ बच्चों इस स्पिंचर का क्या नाम है, इसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है ना, इसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर। और स्पिंचर क्या काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं बस फूड की एंट्री को। अब इसकी जो एंट्री होगी फूड की, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, ये स्पिंचर कर रहा है। तो स्पिंचर बस एक गेटमैन है, गेटमैन, जैसे गार्ड्स खड़े होते हैं गेट पर, ठीक है, कोई भी गेट है, कोई घर का बड़ा सा गेट है, तो वहां पर क्या खड़े होते हैं, गार्ड्स खड़े होते हैं बाहर। अब ये गार्ड क्या करते हैं, हाँ भाई, जैसे किसी कॉलेज का गेट है, मान के चलो किसी कॉलेज का गेट है, पीछे कोई कॉलेज है बड़ा सा, ठीक है, कोई कॉलेज है बड़ा सा पीछे, उस कॉलेज के गेट पर एक गार्ड खड़ा है, वो आपके पास देगा, हाँ भाई आईडी कार्ड है तो अंदर जाएगा, और आईडी कार्ड नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, उसके पास आईडी कार्ड नहीं है तो एक्चुअल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एंट्री को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है एंट्री को, ठीक है,
या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ आ रही है तो ये क्या करेंगे, हाँ भाई लाइन बना लो पहले और एक सीक्वेंस में अंदर जाओ, है ना, उतनी ज्यादा हबड़ तबड़ मत मचाओ। तो ये गार्ड्स यही काम करते हैं, सेम जैसे गार्ड्स काम करते हैं ऐसे ही स्पिंक्चर काम करता है। ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं अब आपको, आगे चलते हैं। हाँ जी, इसके बाद आगे चलते हैं, स्टमक तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, स्टमक में जो ये पेप्सिन है इसका काम और समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले, कि ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा और बना देगा पेप्टोन्स। आप बस इतना समझ लो कि प्रोटीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और पेप्टोन्स क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टमक से, कहां से, स्टमक से। तो स्टमक से शुरू होता है प्रोटीन का डाइजेशन। और कार्बोहाइड्रेट कहां से पचना शुरू हुआ था, कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू हुआ था आपके बक्कल कैविटी में, ठीक है, बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड थी, वहां पे एमाइलेज एंजाइम था, उसने कार्बोहाइड्रेट को पचाया था। तो कार्बोहाइड्रेट का पचना कहां से शुरू हो गया, बक्कल कैविटी से। और स्टमक का पचन, सॉरी स्टमक में किसका पचना शुरू हुआ, प्रोटीन का। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सॉरी, हाँ जी, जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन का पचना कहां शुरू हुआ है, प्रोटीन का पचना शुरू हुआ है स्टमक से। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेटली ये आपके कॉम्पिटिशन में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं फटाक से। हाँ जी, आगे चलते हैं आप। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बच्चों, स्टमक के बाद अब देखो यहाँ क्या आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से देखिए, ये स्टमक खत्म, अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक है ड्यूडेनम, ठीक है, एक है जेजुनम, ठीक है जी, और एक है इलियम। ये तीन हिस्से होते हैं। इलियम ये येल्लो कलर का, ये ऑरेंज कलर का हिस्सा है, येल्लो कलर वाला हिस्सा आपका जेजुनम है और ग्रीन कलर वाला हिस्सा आपका ड्यूडेनम है। तो ये मैंने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बना के दिखा दी है, मतलब एक पिक्चर ली है और उसमें से मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है जी, अच्छा, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम जानते हैं क्या क्या मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, सबसे बाहर वाला जो सबसे छोटा हिस्सा है, ठीक है, सी शेप का है, सी शेप बन रही है इसकी। और कोई आपसे पूछ ले स्टमक की शेप कैसी होती है, तो बता देना जे शेप होता है। स्टमक कैसे शेप का होता है, जे शेप का, ठीक है, जे शेप होती है स्टमक की। और सी शेप किसकी है, ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम की शेप कैसी, सी शेप। कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पर यू शेप बता रखा है, तो वो भी गलत नहीं है, हमें यहाँ पे सी यू नहीं खेलना है, बस स्ट्रक्चर को रिलेट करनी है एक दूसरे से। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो सी बोल दो या फिर यू बोल दो, ये किसकी शेप होती है, ये होती है आपके ड्यूडेनम की, ठीक है। और जे शेप किसकी होती है, जे शेप होती है आपके स्टमक की, ठीक है, अच्छा। इसके बाद ड्यूडेनम में देखो क्या होता है, ड्यूडेनम की अगर मैं बात करूं तो ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन, जो सबसे ज्यादा खाना पचेगा वो कहां पे पचेगा, ड्यूडेनम में जाकर के ही पचेगा, ठीक है। और ड्यूडेनम में ही फैट का इमल्सिफिकेशन होगा, फैट, फैट जो कि अब तक नहीं पच रहा था अब पचना शुरू होगा। तो फैट का क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन। बताऊंगा कैसे कैसे होता है जब मैं आपको लेवर पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, बस वेट कीजिए, ठीक है ना, अच्छा। ड्यूडेनम के बाद मैं आपको बताता हूँ जेजुनम। जेजुनम ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये येल्लो कलर वाला बना रखा है, जो कम कॉइल है, जेजुनम में कम कॉइलिंग हो रही है। यहां पर खाना पचना, देखो लास्ट खाना, खाने का जो पचने की प्रोसेस है वो ड्यूडेनम तक ही चलती है। ड्यूडेनम के बाद बिल्कुल भी खाना पचना बंद, यहाँ पे खाना पचना नहीं, कब तक पचाएंगे भाई, अब उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है, शरीर के अंदर भी तो लगाना है। तो यहाँ पर खाने का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, खाने का एब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जेजुनम में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो खाना हमारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो कौन कराएगा, वो कराएगा जेजुनम, ठीक है जी, हाँ। इसके बाद बात करते हैं इलियम क्या काम करता है। इलियम में भी थोड़ा बहुत खाना एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, पानी भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से मैंने बताए हैं, एक तो ड्यूडेनम जहां पर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, याद रखना, ठीक है ना। और जेजुनम में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो खाना पच गया है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है सबसे ज्यादा जेजुनम में।
और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, लार्ज को लार्ज क्यों बोल रहे हैं, तो उसके लिए वेट कीजिए, मैंने एक स्लाइड बना रखी है उसके लिए, ठीक है जी। हाँ, इसके बाद बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में इतना ही है। अब डाइजेशन कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो पढ़िए ध्यान से। पहले मैं आपको लिवर पढ़ाता हूँ। देखो भाई, मैं आपको एक ड्रॉइंग बना के दिखाता हूँ। जैसे ये ड्यूडेनम है ना, ठीक है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में इधर में क्या है, इधर में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। क्या नाम है? पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। और ऊपर में जो मैंने ये वाली नली बनाई है, ये कनेक्ट होती है ऊपर में जाकर के लिवर से, ठीक है, लिवर से। लिवर ऊपर में क्या होता है? लिवर होता है, ठीक है, ये ड्यूडेनम। अच्छा, अब लिवर के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? लिवर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब साइड में इसका ड्राइंग देख सकते हो, ठीक है, कैसे कैसे इसका ड्राइंग है। अच्छा जी, सुनो अब ध्यान से। दो लोब होते हैं लिवर के, कौन कौन से? राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। फिलहाल हम जान लेते हैं मैं क्या क्या पढ़ाए जा रहा हूं आपको लिवर के बारे में एक्चुअली। तो लिवर का जो वजन होता है वो होता है 1.2 से लेकर 1.5 केजी, सवा किलो से डेढ़ किलो, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो, ठीक है। इसके बाद लिवर की एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है लिवर की, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है लिवर की, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसेंस कैप्सूल। ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। ग्लाइसेंस कैप्सूल क्या होता है? लेयर होती है लिवर की। इसके बाद हिपेटिक सेल्स, लिवर की सेल्स को हम हिपेटिक सेल्स बोलते हैं। लिवर की जो सेल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हिपेटिक सेल्स बोलते हैं। और ये क्या निकालती है अपने अंदर से? बाइल जूस निकालती हैं। हिपेटिक सेल्स अपने अंदर से बाइल जूस निकालती हैं। अब मैं बताता हूं फैट कैसे कैसे इमल्सीफाई होता है। अब आ गया वो टाइम। देखो भाई, बाइल जूस के अंदर बाइल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, मैंने बाइल यूनिट बना के दिखा रहा हूं आपको। बाइल यूनिट ये है, बाइल यूनिट्स, ठीक है। मैंने क्या बनाई है? ये मैंने बनाई है बाइल यूनिट्स, ठीक है जी। अब मान के चलो फैट पड़ा है शरीर के अंदर, फैट है, ठीक है, हमने खाने में फैट लिया होगा। अब फैट से ये बाइल यूनिट जुड़ जाती हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएंगी, इस तरह से जुड़ जाएंगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ही क्यों जुड़ी? ये हेड वाली, देखो ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ये हेड वाली साइड से ही क्यों नहीं जुड़ गई? क्योंकि जो इसका हेड है वो फैट से दूर भागता है, इसका जो हेड है वो फैट से दूर भागता है, तो उस जो फैट से दूर भागता है, डरता है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिपोफोबिक। इसका जो हेड है वो कैसा है? लिपोफोबिक, ठीक है। और जो इसकी ये टेल्स हैं, ये लिपोफिलिक हैं। टेल बोल रही मुझे फैट से मिलना है, हेड बोल रहा है मुझे इससे नहीं मिलना है, इससे दूर भागना है, क्योंकि फोबिया वर्ड मतलब डर होता है, ठीक है, फोबिक डर, ये इससे डरता है। और फिलिक मतलब होता है लव, मतलब ये इससे इससे पसंद करता है, इससे जुड़ना चाहता है। फिलहाल जब ये इससे जुड़ेंगे तो हेड क्या कहेगा? भाई तू तो इससे जुड़ गया, मुझे तो अलग जाना है, मुझे तो आगे जाना है। तो इस तरह से जब ये जाएगा तो एक्चुअल में होगा क्या? एज ए रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट ये निकल के आएगा कि जो ये फैट है ये छोटी छोटी यूनिट्स में टूट चुका होगा, छोटी छोटी यूनिट्स में टूट चुका होगा, क्लियर है, छोटी छोटी यूनिट्स में टूट चुका, मतलब इतना बड़ा फैट मॉलिक्यूल उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सीफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सीफिकेशन बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए इमल्सीफिकेशन क्या होता है, अगर आपसे पूछ लो। और इमल्सीफिकेशन कौन कराता है? लिवर। अब लिवर ऐसे तो कराएगा नहीं, है ना, ऐसे तो कराएगा नहीं। लिवर से जो बाइल आएगा वो यहां से आएगा और इस डक्ट से होते हुए यहां पहुंच जाएगा इंटेस्टाइन में। कहां पहुंच जाएगा? ये इंटेस्टाइन पहुंच गया। कहां से आ रहा था? देखो यहां लिवर से आ रहा है, ये डक्ट के थ्रू, लिवर की एक डक्ट होती है इसको बाइल डक्ट बोलते हैं, वहां से होते हुए देखो कहां आ गया, ये इंटेस्टाइन में आ गया। तो इसलिए मैंने बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसका नाम ड्यूडेनम है, ठीक है, ड्यूडेनम वाला जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा, इसका क्या नाम है? ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो फैट का तो मैंने बता दिया, ऐसे ही और बात करेंगे आगे धीरे धीरे, देखिए।
फिलहाल मैंने आपको बता दिया बाइल जूस क्या काम करता है और कैसे कैसे फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, ये चीज एग्जाम में पूछ ली जाएगी तो आपको याद रखनी है, ठीक है जी। हम इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, 3, 2, 1। अब मैं सबको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां तक हमारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे आगे, ठीक है, फर्दर और बातें डिस्कस करते हैं। हाँ जी, जो ये बाइल बनाता है ना, लिवर, लिवर की कौन सी सेल बाइल बना रही है, हेपेटिक सेल, क्या काम कर रहा है बाइल, वो भी मैंने बता दिया है अभी, ठीक है। लेकिन जो ये बाइल बना के रखता है उसको स्टोर कहां करता है, गॉल ब्लेडर में, ठीक है ना, लिवर में जो ये हेपेटिक सेल है इन नलियों के द्वारा क्या होता है, ये बाइल यहाँ स्टोर हो जाता है, कहाँ पे, गॉल ब्लेडर में। तो गॉल ब्लेडर क्या काम करता है, स्टोर करता है बाइल को, ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो दो लोब हैं लिवर के, एक है राइट लोब और एक है लेफ्ट लोब, ठीक है, ये कौन सा लोब है, राइट लोब और एक है लेफ्ट लोब। जो सबसे ज्यादा फंक्शनल हिस्सा है इसका, जो सबसे ज्यादा काम करता है, मतलब बाइल बना रहा है और स्टोरिंग का काम हो रहा है, ये इसका राइट लोब कर रहा है। तो बोल देते हैं कि लिवर का जो फंक्शनल लोब है वो राइट लोब होता है, ठीक है। और लिवर एक ग्लैंड है, याद रखना लिवर क्या है, एक ग्लैंड है, और हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड ही यही है, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लिवर है, ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, लिवर के बारे में जो कुछ बताना था वो मैंने बता दिया, बाइल वगैरह क्या काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बात करते हैं पैनक्रियास। देखो बच्चों, अभी मैंने लिवर के बारे में बताया, ये गॉल ब्लैडर वगैरह यहां से अपना सेक्रीशन कहां निकाल देता है, ड्यूडेनम में निकाल देता है। अब मैं बात कर रहा हूं पैनक्रियास की, ठीक है, पैनक्रियास की अब मैं बात करूं आपके सामने, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बात करते हैं पैनक्रियास के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, तो सुनो भाई। पैनक्रियास एक्चुअली ड्यूअल नेचर का है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। देखो भाई, ग्लैंड, पैनक्रियास एक ग्लैंड है, और ग्लैंड्स नॉर्मली तीन तरह की होती हैं, अगर आपको नाइन्थ क्लास का याद हो तो। एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है हेटरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने अंदर से क्या निकालती है, एंजाइम्स निकालती है, और इसके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, एक नली प्रेजेंट होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड अपने अंदर से हार्मोन निकालती है, और इसके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और हेटरोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जिसके पास दोनों तरह की ही फीचर हो, डक्ट प्रेजेंट भी हो और डक्ट एब्सेंट भी हो। चलो खैर, ऐसे कहना सही नहीं रहेगा, मैं आपको इसको दूसरी तरह से बताता हूँ, हेटरोक्राइन ग्लैंड को से, ठीक है। हेटरोक्राइन ग्लैंड जो है ये दोनों ही काम कर सकती है, कहने का मतलब ये दोनों ही चीजें अपने अंदर से निकाल सकती है, एंजाइम्स भी अपने अंदर से निकाल सकती है और हॉर्मोन्स भी अपने अंदर से निकाल सकती है। तो अपने अंदर से दोनों ही चीजें क्या कर सकती है, निकाल सकती है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसीलिए पैनक्रियाज को कैसी ग्लैंड बोलेंगे हम, हेटरोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड बोलेंगे, हेटरोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है। अब एक्सोक्राइन मतलब कुछ तो एंजाइम निकालेगा, जो कि पचाने में, चीजों को पचाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये निकालता है एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ जी, सॉरी, इसके बाद आगे बात करते हैं एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन मतलब ये कुछ हार्मोन्स भी निकालता है, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागन हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। मैं जल्दी से आपको इंसुलिन का काम बता देता हूँ। इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन ब्लड शुगर को लो करता है। ग्लूकागन क्या करता है, ग्लूकागन ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ठीक है। सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, मतलब हमारे शरीर में आयन का बैलेंस बनाता है, ठीक है ना। जो आयन्स वगैरह होते हैं शरीर में, बहुत तरह के सॉल्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो आयन का क्या बनाता है, ये बैलेंस बनाता है, ठीक है। ये चीजें आपके बारे में, आप अभी इनके बारे में मत जानिए,
अगर आपने इनके बारे में इतना भी जान लिया है तो ये भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है फिलहाल। हाँ जी, अब बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम ये निकालता है, जिसमें कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है, लिपेज होते हैं जो कि फैट को पचाते हैं, ऐसे एंजाइम भी इसके अंदर होते हैं। अच्छा, अब आप खुद देखिए इसका सेक्रेशन भी कहाँ आ रहा है, ड्यूडेनम में आ रहा है ना, और लिवर का सेक्रेशन भी कहाँ आ रहा है, ये भी ड्यूडेनम में आ रहा है, और जो ये इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको कि हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है, और इस ग्लैंड से भी क्या निकलेगा, कुछ एंजाइम निकलेगा, वो भी कहां रहा है, ड्यूडेनम में। अब दुनिया भर के जो ये एंजाइम है चीजों को पचाने वाले, वो कहां आ रहे हैं, ड्यूडेनम में आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो कहां होता है, ड्यूडेनम में ही होता है। क्लियर है, ये बात आपने याद रखनी है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं फटाक से, तो इतना ही जानना जरूरी आपके लिए पैनक्रियास के बारे में, ठीक है, इसका वजन वगैरह आप खुद सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, ये रटने वाली चीजें होती हैं। फिलहाल मैं आगे चलता हूं। हाँ जी, आगे चल रहे हैं, अब हम पैनक्रियास तो हो चुका है, इसके बाद बात करते हैं अब मैं, देखो भाई, अब एब्जॉर्प्शन की बात आई है, देखो ड्यूडेनम के बाद क्या आता है, ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम, ठीक है, ड्यूडेनम के बाद क्या आता है, जेजुनम आता है भाई, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और फिर इलियम, ठीक है ना। अब देखो जेजुनम क्या काम करता है, जेजुनम चीजों को एब्जॉर्ब करता है, चीजों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें कुछ विलाई दिखती है, विलाई, ठीक है, नॉर्मली तो कोई भी लेयर हमें ऐसे दिखाई देगी, लेकिन अगर इस लेयर में मुझे कुछ फोल्डिंग्स दिखाई दे, इन फोल्डिंग्स दिखाई दे, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा विलाई, ठीक है। अब ये विलाई क्या काम करता है, विलाई देखो नॉर्मल, अगर तुम इसका सर्फेस एरिया निकालोगे, यहां से यहां तक का तुम सर्फेस एरिया निकालोगे, उसको मैंने बोल दिया सर्फेस एरिया वन, और अगर आप इसका सर्फेस एरिया निकालोगे, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया सर्फेस एरिया टू, तो आप ये पाएंगे कि सरफेस एरिया वन बहुत ज्यादा कम है सरफेस एरिया टू से। तो विलाई बनी क्यों, विलाई ने एक्चुअली क्या काम किया है, इंक्रीज किया है सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, एब्जॉर्ब करने का सरफेस एरिया। तो विलाई कहां मिलेंगी, जेजुनम में मिलेंगी और इलियम में मिलेंगी, क्लियर है ना, और ये किसके हिस्से हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही हिस्से हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक विलाई ले रहा हूं, यहाँ पे एक विलाई के ऊपर भी कुछ और छोटी छोटी विलाई होती हैं, कुछ छोटी छोटी विलाई होंगी विलाई के ऊपर, मतलब विलाई तो मैं बना ही रहा हूँ, उसके ऊपर और छोटी छोटी मैंने विलाई बना दी है, तो विलाई के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोलते हैं माइक्रो विलाई, क्या बोलते हैं, माइक्रो विलाई। तो विलाई के ऊपर जो ये माइक्रो विलाई है, इसने इसको एक एपीरियंस दे दी है, दिखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ब्रश बॉर्डर हो, कोई एक ब्रश हो, है जिसको हम ब्रश बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो क्या बना दिया इसने, ब्रश बॉर्डर एपीरियंस दे दिया है, ब्रश बॉर्डर एपीरियंस, किसने दिया ब्रश बॉर्डर एपीरियंस, माइक्रो विलाई ने। फिलहाल आपने टेस्ट ट्यूब साफ करने वाले, आपने लैब में टेस्ट ट्यूब होती है जी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होती है, है ना, टेस्ट ट्यूब को साफ करने वाले ब्रश देखे होंगे, टेस्ट ट्यूब को साफ करने वाले ब्रश देखे होंगे, मैं बना देता हूँ उस ब्रश को, अगर हो सके तो, ड्राइंग अगर बन गई तो, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह के कुछ ब्रश होते हैं, आपने देखा होगा, देखा होगा आपने, जरूर देखा होगा, टेस्ट ट्यूब को साफ करते हैं इस तरह के ब्रश से, ठीक है। तो ये जो एपीरियंस मिली है, ये सेम एपीरियंस इससे रिलेट करी गई है, ठीक है, इसीलिए बोला है कि जो ये एपीरियंस मिली है यहाँ पर, वो ब्रश बॉर्डर लाइक एपीरियंस है, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है, क्लासेस हम जो देख रहे हैं बहुत क्वालिटी क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। चलो जी, ऐसे ही जज्बा जुनून बना के रखें, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं चलता हूं आगे, ठीक है। हाँ जी, अच्छा बच्चों, कल वीडियो नहीं आएगी, कल मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, और हम ये ह्यूमन का न्यूट्रिशन ओवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो अभी तक बने हुए हैं तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा
इच्छुक हैं और डेफिनेटली ये चीज आपको फ्यूचर में फायदा देगी, ठीक है। और ये नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है फिलहाल। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं। देखो माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है वो आप पढ़ लीजिएगा, स्टमक में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं वो पढ़ लीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं वो पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये मैंने एक्स्ट्रा टेबल निकाली है 11th क्लास से, तो आप इस पे भी ध्यान दीजिए कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, कुछ ड्रग्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कि माउथ के म्यूकोसा के कॉन्टेक्ट में आती हैं तो वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। स्टमक में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर होता है, सिंपल शुगर एब्जॉर्ब हो जाता है और एल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन होता है यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन से हिस्से में एब्जॉर्प्शन होता है, जेजुनम में और इलियम में, ठीक है, इसकी बात चल रही है। तो देखो क्या क्या चीजें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ठीक है। हाँ जी, तो जो मैंने अभी तक आपको ड्यूडेनम के बारे में बताया था, ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन हुआ, उसके बाद कहीं भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो चुके होंगे, मतलब कि इस फॉर्मूले में C6H12O6 जो कि सिंपल शुगर है इसमें कन्वर्ट हो चुके होंगे, और जो भी प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुके होंगे, किसके बाद, ड्यूडेनम तक, ठीक है, ड्यूडेनम में। और जो फैट है, लिपिड है, लिपिड कन्वर्ट हो चुका होगा आपका ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। यहां मैंने जो FA लिखा है इसका मतलब क्या है, फैटी एसिड, ठीक है। अच्छा अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, न्यूक्लिक एसिड अगर हमने अपनी डाइट में न्यूक्लिक एसिड भी लिया है जो कि होता ही है, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि DNA RNA, ये किसमें बदल गया होगा, ये बदल गया होगा आपका शुगर में और आपका फॉस्फेट ग्रुप में और आपका नाइट्रोजिनस बेस में, इसमें ये टूट चुका होगा। तो ये सभी सिंपल फॉर्म है फूड की, जिसको कि अब हमारा शरीर क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। आपसे अगर कोई भी पूछे कि बताओ भाई कार्बोहाइड्रेट को कौन सी फॉर्म में हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो बता देना सिंपल शुगर में, किसमें, सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। प्रोटीन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, अमाइनो एसिड की फॉर्म में, अमाइनो एसिड, यहाँ पे जो मैंने AA लिखा है इस AA का मतलब है अमाइनो एसिड, ठीक है जी। अच्छा और लिपिड कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लिसरॉल फैटी एसिड की फॉर्म में, ठीक है। चलो जी, अब कुछ खाना ऐसा रह सकता है जो शायद पचा ना हो, वो वेस्ट बन के बाहर निकलता है, वो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। फिलहाल जो भी मैंने ये पढ़ाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपका डाइजेशन ओवर हो चुका है, कुछ और थोड़ा सा रह गया है वो और जान लेते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो से झिक चुके हो, कई बार होता है बच्चों के अंदर कि अरे भाई एक घंटा हो गया, चाहे हो रखे हो 40 मिनट ही, लेकिन जो पढ़ने के इच्छुक नहीं होते उनको क्या लगता है, अरे एक घंटा हो गया कितना पढ़ा रहे हैं सर, तो आप ऐसा करें वीडियो को पॉज कर दे, डिजिटल क्लास ही तो है, आप इसको कल देख लीजिए, लेकिन दिमाग पे लोड मत डालना, अभी तक जो पढ़ा दिया उसको अभी पढ़ लें, बाकी का कल पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकिन पढ़े ढंग से। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जेजुनम में और इलियम में क्या होती है, विलाई होती है, तो विलाई में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो खाना एब्जॉर्ब होकर कहां जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जैसे कि मैंने बताया था। तो आप देख सकते हो विलाई के अंदर यहाँ पे हमें ब्लड वेसल दिख रही है, दिख रही है ना, रेड वाली आर्टरी है, ब्लू वाली वेन है, ठीक है, तो आपको दिख रही होंगी। और जहां आर्टरी और वेन मिलती है उसको कैपिलरी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। फिलहाल इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बस ये देख लो कि खाना जो एब्जॉर्ब होता है वो कहां जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड में कैसे जाता है वो आप देख पा रहे हो, क्योंकि विलाई के अंदर क्या है, यहाँ पर हमें आर्टरी और वेन्स दिख रही है, क्लियर है। हाँ जी, चलो इसके बाद आगे बात करते हैं अब। तो एब्जॉर्ब कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है वो आपको जान लेना है, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं, अब मैं बात करता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं जो कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है सीकम, ठीक है, और फिर है कोलोन, कोलोन तीन तरह का मिल रहा है, और फिर है रेक्टम। तो देखिए तीन हिस्से होते हैं भाई लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है, कौन कौन सा, सीकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती है यहाँ पे, वाटर एब्जॉर्ब होता है और ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है,
ठीक है ना, ड्रग्स, ये आपको याद रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन का काम चलता है? नहीं चलता है। जो खाना हमारा पचा हुआ नहीं होता है, जो खाना पचा हुआ नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और फिर वो मूव करता है सीकम के बाद कोलोन, कोलोन के बाद आ जाएगा वो रेक्टम में और फिर शरीर से बाहर, और बाहर आने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इजेशन बोलेंगे। इजेशन कहां से होता है? एनस से होता है। ठीक है जी, ये बात बहुत ही सिंपल है, याद हो जानी चाहिए, जबकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही इसी लेक्चर में बता चुका हूं, तो ध्यान जरूर देना भाई उन पे, ठीक है ना। बहुत ही मेहनत लगती है इन स्लाइड्स को बनाने में। फिलहाल सीकम, सीकम ये सबसे पहला हिस्सा है और छोटा हिस्सा, सबसे ज्यादा छोटा हिस्सा, ठीक है, फर्स्ट हिस्सा है। और ये ही हिस्सा किससे कनेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन का काम चला था, है ना, और जो फिर बिना बचा हुआ खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां था? सबसे पहले सीकम में आता है, ठीक है, तो सीकम में आ जाएगा। अब कोलोन के तीन हिस्से हैं, एक तो असेंडिंग कोलोन है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है जो, एक फिर ट्रांसवर्स कोलोन है जिसमें फूड की मूवमेंट इस दिशा में हो रही है, फिर एक डिसेंडिंग कोलोन है जिसमें नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है खाने की, ठीक है। तो ये तीन हिस्से हैं कोलोन के। तो यहां पर खाने की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है फूड की, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है अनडाइजेस्टेड फूड की, अनडाइजेस्टेड फूड की जो मूवमेंट कहाँ हो रही है? लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है। इस मूवमेंट को एक नाम देते हैं हम, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है ना। कोई भी आपसे पूछ ले तो बता देना कि सेगमेंटेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन, उसको ही क्या बोलते हैं हम? सेगमेंटेशन बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रेक्टम में जब खाना आ जाता है तो हमारे पास अब मैसेज आने लगता है कि भाई चल देना चाहिए, चल देना चाहिए, है ना, निकाल लेना चाहिए बॉडी से कुछ तो उसको हम बोलते हैं फीकल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? फीकल इजेक्शन, इजेशन, सॉरी इजेशन लिख लीजिए आप, यहां पे इजेशन की प्रोसेस करनी है ना इसीलिए, ठीक है ना, फीकल इजेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो एक मैसेज आता है फिर दिमाग से, पहले तो यही मैसेज भेजता है दिमाग के पास, यहाँ पे नर्व्स कनेक्ट होती हैं, वो दिमाग के पास मैसेज भेजता है और फिर दिमाग फाइनल मैसेज देता है, हाँ भाई चलो निकालो ये कचरा बाहर सही से। तो वो रेक्टम की वजह से होता है, ठीक है, जब रेक्टम में आ जाता है हमारा सेगमेंटेशन से अनडाइजेस्टेड फूड, तो रेक्टम में आने के बाद फिर कहां जाएगा? एनस, एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूं, यहां तक का लेक्चर अगर आपने सुना है तो इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ इच्छुक बच्चे हैं उनको मैं और कुछ ज्ञान देना चाहूंगा जो कि उनके कॉम्पिटिशन में हेल्प करेंगे, तो सुनो ध्यान से भाई। देखो भाई, इंटेस्टाइन के बारे में मैंने क्या बताया था, दो तरह की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी इंटेस्टाइन होती है, ठीक है ना, ये लॉन्ग होती है और ये शॉर्ट होती है, ठीक है। लेकिन ये स्मॉल है और ये लार्ज है, इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को? क्योंकि इसका जो डायामीटर है, मान चलो वो मैंने D1 ले लिया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब का डायमीटर मैंने क्या ले लिया है? D1 ले लिया है। लार्ज इंटेस्टाइन की ट्यूब का जो डायमीटर है वो मैंने ले लिया है D2, इसका डायमीटर क्या ले लिया भाई मैंने? D2 ले लिया है। तो आपको यहां से देखने पर ये पता चल जाएगा कि इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो ट्यूब है उसका डायमीटर ज्यादा है, तो D2 का डायमीटर ज्यादा है किससे? D1 से, ठीक है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो क्या है भाई? ज्यादा है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, मतलब कि D1 जो डायमीटर है वो कम है D2 से, ठीक है जी। इस तरह से आपको पता चल गया है, और स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन है लॉन्ग। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ किसकी ज्यादा मिलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा मिलेगी, और इसकी लेंथ कम मिलेगी,
ठीक है जी। अच्छा ये बताना था, इसके बाद और कुछ बात करते हैं। देखो भाई, जब हमने फूड खाया था तो माउथ में उससे क्या मिला था, उससे मैं क्या मिला था, सेलाइवा मिला था। तो फूड में जब सेलाइवा मिलता है तो ये बना देता है बोलस। क्या बनाता है? बोलस। अब ये बोलस कहाँ एंट्री करता है? स्टमक में। तो बोलस में स्टमक के अंदर जाने के बाद क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक जूस मिलेगा। उसके अंदर क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक जूस। तो बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ उसको करेक्टली। अब उस समय लेना जूस लिखा है, ठीक है ना, JUIC। तो बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस मिलता है तो वो क्या बन जाता है? काइम बन जाता है। क्या बन जाता है? काइम। अच्छा जी, अब पेट से निकलने के बाद जो खाना है वो कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है। तो जब उसमें मिल जाता है क्या? इंटेस्टाइनल जूस मिल जाता है जा करके, तब वो क्या बन जाएगा? तब वो बन जाएगा काइल, ठीक है ना, काइल। ठीक है, अब काइल में से कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। काइल में से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ चीजें क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी हमारे शरीर के अंदर। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होने के बाद? एब्जॉर्ब होने के बाद अब जो बचा कुचा खाना बचा है, जो अनडाइजेस्टेड है, उसको हम बोलेंगे फीसिस। ठीक है, फीसिस। और फीसिस येल्लो कलर का होता है ना, नॉर्मली, और उसी को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये चीजें और याद रखनी है, ठीक है भाई, कि बोलस क्या है। ठीक है, आपको याद रखना है कि बोलस क्या होता है, काइम क्या होता है, काइल क्या होता है, और फीसिस क्या होते हैं। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ आपका ये लेक्चर तो खत्म हो गया है फिलहाल। अब आगे देखते हैं। मैं कल आप लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, कल हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। और आपका ये जो लेक्चर है ये आज खत्म हो गया है, बहुत मेहनत से ये लेक्चर बना है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर सच में पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है, उससे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। चलो भाई ये लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है, और आप लोगों से मिलूंगा मैं परसों, ठीक है, रेस्पिरेशन के साथ। यहां तक कि जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, खत्म।